दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी WhatsApp पे कोई ग्रुप है उसमें आपने मेंबर्स ऐड किए हुए हैं और आप अपने सभी मेंबर के लिए कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसे कि आप अपने ग्रुप में ऊपर पिन करके रखना चाहते हैं, जिससे कि जब भी आपके ग्रुप में आपका मेंबर कोई आता है तो वो मैसेज को ईजिली देख पाए। तो आज की वीडियो में इसी का प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को किस तरह से पिन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक वगैरह पर या फिर यूट्यूब के कमेंट में मैसेज वगैरह को या फिर किसी कमेंट वगैरह को पिन कर सकते हैं, तो वही फीचर व्हाट्सएप भी यहाँ पे आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में उसी फीचर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अगर आपने अपने व्हाट्सएप को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल नया अपडेट है। अगर आप ओल्ड वर्जन चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना अगर आपका अपडेट अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको अपने उस ग्रुप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ से मैं किसी एक मैसेज को पिन करना चाहता हूँ, तो सबसे लास्ट में एक लिंक देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पिन कर दूं ताकि मेरा कोई भी ग्रुप मेंबर जब भी मेरा ग्रुप में आए यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो ऊपर उसको वो पिन मैसेज देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना है कि अपने ग्रुप में आना, उस मैसेज को आपको लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट मिलता है थ्री डॉट पे जाएंगे। तो पहले यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन मिलते थे इन्फो और कॉपी का, लेकिन जब आप अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक तीसरा ऑप्शन मिलेगा पिन के नाम से। आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने इस मैसेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कितने टाइम के लिए यहाँ पे पिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, आप 24 घंटे के लिए पिन कर सकते हैं, 7 दिन के लिए पिन कर सकते हैं या फिर पूरे 1 महीने यानी कि 30 दिन के लिए पिन कर सकते हैं। तो आपको जितने टाइम के लिए अपने इस मैसेज को यहाँ पे पिन करके रखना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए कि हमें 24 घंटे के लिए पिन करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से पिन वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो सबसे टॉप पे देखिए दोस्तों, मेरा ये मैसेज सबसे टॉप पे यहाँ पे ग्रुप में पिन हो चुका है। अब जब भी मेरा कोई ग्रुप मेंबर यहाँ पे आएगा तो उसको टॉप पे मैसेज देखने को मिल जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या मैसेज पिन किया हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने ग्रुप मेंबर के लिए अपना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह, कोई चैनल का लिंक वगैरह, कोई वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पिन करके रखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी मैसेज को बहुत आसानी से पिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।